मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप अभी बढ़िया। अभी हम आईएसबीटी कश्मीरी गेट दिल्ली पे हैं और जहाँ से हमारी बस है चंडीगढ़ के लिए, तो ऑलमोस्ट हम अभी लेट हो चुके हैं। अभी टाइम हुआ है 12:45 और सबसे पहले पता करना कि अभी बस चंडीगढ़ के लिए कितने बजे है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभी टाइम हुआ 12:30 और सीन कुछ ऐसा है कि बस के बारे में पता करने में पता चला है कि चंडीगढ़ के लिए बस ऑलमोस्ट 30 मिनट के इंटरवल पे है। 30 मिनट के इंटरवल पे जो बस है वो नॉन एसी बस है, और एसी बस की बात करें तो एसी बस का टाइमिंग है 1 घंटे के इंटरवल पे एक एसी बस चंडीगढ़ के लिए चलती है कश्मीरी गेट बस स्टैंड दिल्ली से। तो बस का तो उतना पंगा है नहीं, बस हर वक्त मिल जाएगी चंडीगढ़ के लिए। बस का तो पूरा शॉर्ट आउट है। हाँ, पंगा आता है वॉल्वो पे, वॉल्वो के लिए वो उसका टाइमिंग अलग है। वॉल्वो अगर हिमाचल प्रदेश वाला यूज़ करें, हिमाचल प्रदेश वाले से सफ़र करना चाहेंगे तो उसका टाइमिंग अलग है। उसका टाइमिंग स्टार्ट होता है 5 बजे से, वो शिमला मनाली या और कहीं जाएगी, वो आया चंडीगढ़ होकर। तो लास्ट बस जो चलती है वॉल्वो हिमाचल प्रदेश वाली, वो 9:45 बजे तक लास्ट बस चलती है। उसका फेयर भी अलग है। फेयर की बात करें तो ना एसी का फेयर थोड़ा कम आता है, 200 या 250 के करीब है। एसी की बात, सिंपल एसी की बात करें तो सिंपल एसी का फेयर जो है वो ऑलमोस्ट 432 रुपये पड़ता है पर पर्सन का, जो कि कंटिन्यू रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे सफ़र स्टार्ट होता है आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस स्टैंड के वेटिंग हॉल में ऊपर में, और बाकी सब बढ़िया है। हाँ, तो चलते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और एक बार बहुत दिनों के बाद आज जो सफ़र होने वाला है वो किसी रोडवेज का होने वाला है। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बस वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, जर्नी खुल चुकी है और जर्नी स्टार्ट हो चुका है। और टाइमिंग जो बताया जा रहा है वो ऑलमोस्ट 5 से 5.5 घंटे लगेंगे चंडीगढ़ पहुंचने में। बस होप करते कि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो और टाइम टू टाइम टाइम पर चंडीगढ़ पहुँच जाए। तो जर्नी कंटिन्यू हो चुका है, बस वीडियो को बने लगे और वीडियो को सपोर्ट करें। तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। टाइम हुआ 3:25 और सीन कुछ ऐसा है कि अभी पानीपत से बस निकली है। बस यही अपडेट देना था, बाकी सब बढ़िया है। हाँ, तो भैया सीन कुछ ऐसा है, बस ने एक ब्रेक लिया, इसको लंच ब्रेक कह सकते हैं। एक ढाबे पे आकर रुक गया, और कौन सा ढाबा ये पता नहीं है, आपको ढाबा दिखाते हैं। ये वो ढाबा है जहाँ आकर अपनी बस रुकी है, और पता नहीं कितने देर का ब्रेक है, मैं भी ये 30 मिनट का ब्रेक हो सकता है। तो सफ़र की बात करें तो सफ़र अच्छा जा रहा है। बस की कंफर्ट की बात करें तो बस का कंफर्ट भी सही है, ठीक ठाक है। एक्चुअली एक ऐसी बस में जैसा कम्फर्ट होना चाहिए वैसा ही कम्फर्ट है इसमें। तो बाकी सफ़र अच्छा चल रहा है, आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है, आधा और रह गया है। तो बस यही अपडेट देना था, बाकी सब बढ़िया है। हम जिस बस से सफ़र कर रहे हैं वो बस ये है, अशोक लैंड की बस है, और ये चंडीगढ़ गवर्नमेंट के अंडर में आती है ये बस। और इस बस का आपको व्यू दिखाते हैं, ये देखते हैं पूरा व्यू बस का, काफ़ी बेहतर है बाकी सारे बसों से। फुल एसी है और इसका कंपेयर वॉल्वो से तो नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर है। बाकी और एसी बसों से कंपेयर कर सकते हैं तो काफ़ी बेहतर है।
बस का फ्रंट व्यू देखते हैं, ये पूरा फ्रंट है बस का, काफी बेहतर है बाकी सारे बसों से ये बस। ट्रेवल अपडेट ये है कि बस हमारी अभी अम्बाला से निकली है, बस अभी क्रॉस की है अम्बाला को और चंडीगढ़ पहुँचने में अभी भी टाइम है, ऑलमोस्ट मे बी 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। तो यही अपडेट देना था, बाकी सब बढ़िया है। चंडीगढ़ बस स्टैंड आने में 15-20 मिनट है क्योंकि टाइम तो हो चुका है 6 बजने को है और चंडीगढ़ सिटी में हम इंटर कर चुके हैं, बस स्टैंड आने में 15-20 मिनट और लगे। हाँ तो भैया सीन कुछ ऐसा है, पहुंच गया चंडीगढ़, अभी जस्ट पहुंचे चंडीगढ़ और टाइम की बात करें टाइम 6:30 हो रहा है और जहाँ से मुझे जाना है मोहाली, तो मोहाली जाने के लिए सबसे पहले बस स्टैंड से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से ऑटो पकड़ना है। तो चंडीगढ़ दिल्ली से चंडीगढ़ का सफ़र जो है वो कम्प्लीट होता है यहाँ पे और बाकी की कहानी बाग नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली कहानी आगे कभी दूँ। ओके बाय।